बच्चों उर्दू सीखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ करते होंगे। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। बच्चों, आपकी किताब का नाम है उर्दू प्राइमर और आपकी क्लास है प्री वन। आज का सबक हम सफ़ा नंबर 39, 40 और 41 से करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। बच्चों, हरूफ़ तहजी में हमने पहले अलिफ पढ़ा, फिर हमने अलिफ मद्दा पढ़ा, इसके बाद बे का ख़ानदान पढ़ा जिसमें हमने बे, पे, ते, टे और से पढ़ी, और अब हम जीम पढ़ेंगे। तो चलें हम पहले जीम की कहानी सुनते हैं। ये है जमाल और ये है जमाल के वालिद जमील साहब, जो कि सऊदी अरब से जहाज़ में बैठकर पाकिस्तान आए हैं ताकि वो यहाँ ईद मना सकें। क्या आपको पता है कि हम साल में कितनी ईद मनाते हैं? जी हाँ, हम साल में 3 ईद मनाते हैं। एक ईदुल फितर, दूसरी ईदुल अज़हा यानी बकरा ईद, और तीसरी ईद मिलादुल नबी। ईद पर जमाल ने नए कपड़े और जूते लिए। ईद के त्यौहार पर जमाल के वालदैन ने गरीब बच्चों में मिठाई तकसीम करने का सोचा। जमाल अपने वालिद के साथ मिठाई की दुकान पर गया। उन्होंने ताज़ा और गरम जलेबियाँ खरीदी। जलेबियाँ लेकर वो अपने मोहल्ले की तरफ चल पड़े। जमाल ने बच्चों को आवाज़ दी और देखते ही देखते उसके गिर्द बच्चे जमा हो गए। जमाल ने बच्चों में मिठाई तकसीम की और खुशी खुशी घर लौट आया। अब हम उन अल्फाज को पढ़ते हैं जो हमने इस कहानी में पढ़े। जीम के अल्फाज। जीम जमाल, जीम जमाल, जीम जमील साहब, जमील साहब, जीम जहाज, जहाज, जीम जूते, जूते, जीम जलेबियाँ, जलेबियाँ। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? जीम, जीम की आवाज़ है जा, जा। बच्चों, हरूफ़ तहजी के गांव में एक दिन जरासिक पार्क से बहुत बड़ा डायनासोर आ गया। सब हरूफ उसको देखकर डर गए और भाग गए। उन्होंने जीम को बुलाया ताकि वो नून के साथ मिलकर जिन बनाए। जीम जल्दी से डायनासोर को देखने आया। तो जब भी जीम नून के साथ मिलता तो जिन हाजिर ना होता। वो दोबारा मिलता तो फिर भी हाजिर ना होता। तो ये देखकर जीम बहुत परेशान हो गया कि वो क्या करे। फिर उसके जहन में एक ख्याल आया। वो बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने उसके ऊपर जादू पढ़ा, छू मंतर, और जीम छोटी जीम में तब्दील हो गई। अब बाबा जी ने नून को कहा कि जीम के साथ जाके मिल जाओ, तो वो बन गया जिन। अब जीम वापस आया, उसने जादू का चिराग निकाला तो उसमें से एक जिन निकला। जब डायनासोर आया तो जिन ने उसके ऊपर जादू किया और डायनासोर छोटा सा एक चूहा बन गया। जीम ने जिन का शुक्रिया अदा किया और इस तरह सब डायनासोर से बच गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये जीम की कहानी? तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? जीम,
ये है बड़ा जीम और ये है छोटा जीम। बच्चों, हरूफ तहजी को जीम से मिलाकर आप बहुत से हरूफ बना सकते हैं। जैसे अलिफ को जब जीम से मिलाएं तो बनता है जा, बे को जब जीम से मिलाएं तो बनता है जब, छोटी ये को जब जीम से मिलाएं तो बनता है जी। इस तरह आप भी बहुत से अल्फाज जीम से बना सकते हैं। अब हम उन अल्फाज को पढ़ते हैं जो हमने कहानी में जीम से बनाए। जिन, जादू, जुरासिक पार्क और जादू का चिराग। और जीम की आवाज़ है जा, जा। बच्चों, ये है जीम का ख़ानदान जिसमें जीम, चे, हे और खे के बारे में हम पढ़ेंगे। जीम क्योंकि इस ख़ानदान में पहले नंबर पर आता है तो इसलिए आप लोगों ने जीम में एक नुक्ता लगाना है। कितने नुक्ते लगाने हैं? एक नुक्ता, क्योंकि ये पहले नंबर पर है। इस तरह आपकी जीम मुकम्मल हो जाएगी और आपको भूलेगी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से याद हो गया होगा। आप लोगों ने अपनी किताब में इसकी बार बार मश्क करनी है और इसको लिखना भी है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी उनको देखें ताकि उनको हरूफ़ तहजी अच्छे से याद हो। अब मैं आप लोगों से अलविदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।